स्वाभाविक है। देखिए आप जहाँ भी जाइए तो सब जगह तो इसी बात की चर्चा होती है ना कि भाई जब सब जगह विकास हो रहा है तो भाई गया में कैसे और विकास हो सकता। और ये मैंने बताया ना कि संजोग है कि भाई अभी जो बजट पेश हुआ है तो उसमें गया के लिए जितने तरह के पैकेज हैं ये बहुत ही समझिए कि आगे इससे विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जितने तरह के उद्यमी हैं हमारे, देखिए हमको ये भी, हमारे साथ जितने लोग बिहार में हैं उन लोगों को उद्यम के बारे में भी सोचना है कि आगे आने वाले समय में हमारे लोग एंटरप्रेन्योर भी बने। तो बिहार सिर्फ मार्केट ना रह कर करके यहाँ जो है उत्पादन भी हो, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, तो ये चीज़ों को धीरे धीरे नीचे स्तर पर समझाना पड़ेगा। सर तो इंडस्ट्रियल हब तो हमारे पिछले बार में ही घोषणा की गई थी कि डोभी या शेरघाटी के पास इंडस्ट्रियल नहीं। इस बार तो देखिए आप फिर वही चीज़ें नहीं, वो चीज़ नहीं है। देखिए आप जरा समझिए, अपने देश में कई कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, समझे ना, वेस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्टर्न कॉरिडोर है। तो ईस्टर्न कॉरिडोर में अब एक जो देखिए आज अब इस बार जो बजट में किया गया है और उसके हिसाब से ये पूरा का पूरा जो एक इस कॉरिडोर में इम्पॉर्टेंट हब होगा। देखिए उद्योग तो कहीं भी लग सकता है लेकिन वो हब होगा। जब कोई हब होता है ना तो वहाँ बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएँ दी जाती हैं जिससे लोग बिजनेस व्यापार को उस लेवल पर कर सकते हैं। जिस तरीके की सोच है उस तरीके से हमारे पास लैंड बैंक है क्या गया में, लैंड बैंक है क्या? देखिए दुर्भाग्य यही है कि आप लोग भी यही कहते हैं बिहार में ज़मीन की कमी नहीं है जी। इसी चक्कर में बिहार को आज तक लोगों ने रोजगार से दूर रखा। देखिए ज़मीन बहुत है बिहार में, हम अपनी बात करेंगे ना, मुजफ्फरपुर की बात, हम मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रहे, हम गया की बात कर रहे हैं। गया में ज़मीन की कमी नहीं है जी। आजकल देखिए ज़मीन ज़मींदारी वाली नहीं होती, पता चला कि आपको चाहिए 2 एकड़ ज़मीन, आप घेरे हुए 20 एकड़ के। देखिए आज हमारे पास ज़मीन जो है ना, ज़मीन का मैक्सिमम यूज कैसे है उसी की प्लानिंग करनी, तो लैंड यूज का। आजकल आप देखते हैं पहले क्या होता था कि एक घर बनाए उसके 5 एकड़ का कैंपस, अब तो सब ऊपर जाता है, तो यहाँ ज़मीन पर्याप्त है। ये अभी कुछ दिन पहले संसद में कहा गया कि संसद के कैंटीन में खाने वाले बाहर जाकर देखें कि चाय 10 रुपये में मिलती है या उसी रेट में मिलती है जो संसद भवन में मिलती है, तो गरीबी तो है या महंगाई है? अरे मैंने तो बताया ना भी आपको, आप देखिए एक चीज़ को ज़रा जान लीजिए, बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है, सिर्फ 54,000 है। राष्ट्रीय औसत कितना है, 182,000 है। और प्रधानमंत्री जी की जो का संकल्प है कि 2047 तक जब 100 साल हो जाएंगे तो भारत विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र जब 2047 में बनेगा तो प्रति व्यक्ति आय होनी पड़ेगी 15 लाख। जब सोचिए आज अभी 54,000 में, 54,000 को 15 लाख लाने में 30 गुना आपको आमदनी प्रति व्यक्ति की बिहार में बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत बड़ी सोच है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये ज्ञान की भी धरती है, मोक्ष की भी धरती है। और अभी जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसके बाद गया में जितने प्रकार की चीज़ें आनी हैं, जिस प्रकार के विकास होना है, तो आगे चल करके गया जो है पर्यटन का एक मुख्य स्थल तो है ही, और भी मुख्य स्थल बनेगा। और एक ही साथ आपने देखा है कि यहाँ पर जो हमारे पूरे विश्व के जो हिंदू लोग हैं अपने जितने पितर होते हैं उनको तर्पण करने के लिए आते हैं, तो विष्णुपद का भी उसका एक कॉरिडोर बनना है कि भगवान बुद्ध के यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका भी महाबोधि का एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनना है। गया से आप देखते हैं एक्सप्रेसवे बनना है जो जाएगा दरभंगा तक। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है इंडस्ट्री का, जो समझिए कि अमृतसर से जा रहा है कोलकाता, उस कॉरिडोर में गया में एक नोड होगा। तो ये समझिए बिहार के लिए और ख़ास करके गया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि यहाँ पर अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे उद्योग धंधे भी लगेंगे। और गया में खास करके देखिए आज की तारीख में जो टूरिस्ट आते हैं काफ़ी देशों से आते हैं, और जब यहाँ जब उद्योग के भी जब यूनिट्स सब स्थापित होंगे
तो गया के हमारे नौजवानों को और पूरे बिहार के नौजवानों को यहाँ तरह तरह के रोज़गार भी मिलेंगे। तो आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री जी ने गया के लिए जो पैकेज दिया है उससे इस इलाके का बहुत ज़्यादा विकास होगा। और यही हम लोग चाहते हैं कि भाई गया जो इतना इंटरनेशनली फेमस जगह है, यह रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बिहार में बने। आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। तो भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार विकसित राष्ट्र बनेगा, और बिहार भी विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब गया और गया के जो ग्रामीण इलाके हैं, जितने हमारे गाँव हैं, वो सब विकसित होंगे। तो ये गया के लिए आगे आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं आई है। और हम सब लोग यहाँ आज इकट्ठा हैं, हमारे जितने साथी हैं, हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे। जब सरकार इतना कर रही है तो जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं सबको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए तो भाई आप लोग सब लोग तैयार सब लोग हैं। जितना देखिए, लोकतंत्र की खासियत क्या होती है कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भी दल बनाना चाहते हैं, जो अपनी विचारधारा को प्रचारित करना चाहते हैं, वो सब स्वतंत्र होते हैं। तेजस्वी यादव 17 अगस्त से यात्रा शुरू करेंगे, जो बड़ी अच्छी बात है भाई। देखिए, नेताओं को तो यात्रा क्या, नेताओं को तो हमेशा फील्ड में जाना चाहिए। जब फील्ड में जाइएगा तो वहाँ जो ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको जानिएगा, जनता से आप रूबरू होइएगा, उनकी समस्याओं से अवगत होइएगा। तो जब आप चीज़ों को जानिएगा तो उसका कैसे समाधान हो, इसके बारे में रास्ता निकालिएगा, तो अच्छी चीज़ है। राजेश जो बता रहा है बिहार में जो क्राइम बढ़ा है वो राक्षस राज का कारण। देखिए भाई, राज जो एक बात बता देते हैं, आज की तारीख में कहीं कोई राक्षस नहीं है। और एक बात तो वो लोग भी जानते हैं कि 2005 के बाद से जो एनडीए की सरकार यहाँ आई, बीच में 20 महीने वो लोग भी थे, तब कहीं जाति के आधार पर कोई नरसंहार नहीं होता। पहले क्या होता, सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। बाकी ये स्वाभाविक है कि भाई ज़मीन को लेकर करके और कई मुद्दे को लेकर करके घटनाएं घटती हैं, अपराध होते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि जब कोई घटनाएं घटती हैं तो भाई उसकी तहकीकात की जाए, अपराधी को पकड़ा जाए, स्पीडी ट्रायल कराया जाए, उनको सजा कराई जाए, जिससे कि अपराधियों के मन में कानून का दर्शन हो।